कांग्रेस ने एक बार फिर भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध तेज कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई किसान रैली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस के सभी नेताओं ने एनडीए सरकार पर कॉरपोरेट हितैषी और किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। करीब दो महीने की छुट्टी के बाद जनता के बीच लौटे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर किसान की जमीनें उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाया। गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तेहार होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे, इसलिए वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रही है और उनका बोनस भी नहीं दे रही। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी भूमि अधिग्रहण बिल को किसान विरोधी बताया। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मोदी सरकार का रवैया पूरी तरह से किसानों, मजदूरों और गरीबों के खिलाफ है। ये जो आर्डिनेंस मोदी जी लाए हैं, ये हमारे 1913 वो 2013 के एक्ट के खिलाफ उसका मंशा है कि उसको कमजोर किया जाए, किसानों को जो सुविधाएं दी गई हैं उनको रद्द किया जाए। इससे पहले शनिवार को भी राहुल गांधी ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। केंद्र के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस के ये कड़े तेवर ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब लोकसभा में आज से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। रविंद्र सिंह श्योरण के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।